कार्तिक जी, आपने सही कहा था, किस्मत से दो जहां भी मिल सकते हैं। मुझे मेरा मिल गया, पता नहीं किसकी दुआ लग गई है कि मुझे आप जैसे इंसान का सहारा मिला है। आपने चिट्ठी में जो भी लिखा था, पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, फिर अब समझ आया कि सब सच है। मैंने तो जिया का सच बताया था, लक्ष्मी की सच की बात कर रही है। हाँ लक्ष्मी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरा प्यार जिया, हम एक दूसरे के लिए बने, वही मेरी सच्ची जीवन साथी है। आज ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमारे बीच कोई गलत फहमी ना हो फिर से। कार्तिक जी, आपने तो बहुत ही शालीनता से अंगूठी खोने की बात संभाल ली। पहले तो मैं डरी गई थी, लेकिन किसी चमत्कार की तरह आप आ गए और अपने हाथ में अंगूठी लेकर मेरा हाथ थाम लिया। अच्छा कार्तिक, तो इसीलिए तुम्हें लक्ष्मी से बात करनी थी? हाँ, सबर करो कार्तिक, थोड़ा सबर करो, एक बार शादी हो जाए ना फिर खूब बातें कर लेना। हाँ मौसी जी, प्लीज मेरा कान छोड़िए। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रही हैं। अरे आपने इसका कान क्यों पकड़ा हुआ है? ऐसा क्या कर दिया कार्तिक ने? गायत्री संभालो, अपने बेटे को संभालो, लक्ष्मी से बातें करने के बहाने ढूंढ रहा है ये। देखो भाई, हम तो ठहरे पुराने जमाने के, शादी से पहले इतनी छूट तो हम नहीं दे सकते। अच्छा है, अब सारी रस्में अपने अपने घर पे ही होंगी, कल मेहंदी है और फिर तुम लोग सीधा शादी पे मिलोगे, और एक बार शादी हो जाए फिर जितनी बातें करनी है कर लेना। हाँ लक्ष्मी, चलो आ जाओ।